को, पाकिस्तान ये कानखोरों को, पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा इन्हें। द टाइम बम इज टिकिंग सो फास्ट नाउ, इंडियाज एड्स एक्सप्लोजन मे नॉट बी फार अवे। एन एस्टिमेटेड 150,000 पीपल इन बॉम्बे अलोन आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद एचआईवी। कुछ गारत हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। The predictions are so devastating, partly because the migrant workers who use the red light districts have already taken HIV home to their wives in other towns and villages, and some of them have given birth to babies with the virus in their blood. फिर सदियों सदियों तक कश्मीर तो होगा लेकिन, कश्मीर तो होगा लेकिन, अरे शेर कौन होता है, जंगल का राजा होता है ना। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा। Pakistan, one of the greatest nations of the world. Pakistan is now great comrade and it can never be undone. शेर को किसी से डर नहीं होता, शेर है शेर, शेर हमें डराया जाता है। भारत में एचआईवी एड्स से पीड़ित मरीजों की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिन्हें टीबी की बीमारी भी है, और एड्स पीड़ित मरीजों की मौत की एक बड़ी वजह ये भी है। क्यों कहती हूँ कि आप तो हिंदू हैं, जैसा शैतान नहीं होगा, जैसा शैतान नहीं होगा। जी जो हमारे देश में हमारे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, जो राम से नहीं मिल सकता वो हमसे भी नहीं मिल सकता, और उसको लात मारकर इस देश से बाहर निकाल देना है। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। और दिल्ली के फुटपाथों पर लेटे हुए हैं, जैसा शैतान नहीं होगा। हमारा नेता कभी भी ये पूछने नहीं आया कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या परेशानी है, कोई भी वहाँ पे पूछने के लिए नहीं जाता। पर मैं आपसे कहती हूँ कि आप तो हिंदू हैं, एक हिंदू दूसरे हिंदू की पीड़ा समझ सकता है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सभी लोग तैयार हो जाइए, बस भगवान श्री राम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत माता अपनी बाहों को फैलाए हुए है और कह रही है कि मेरे बेटो मैं तुमको गले से लगाने के लिए तैयार हूँ, जैसा शैतान नहीं होगा। कृष्ण शंख भी बजाता है, और कृष्ण ने शंख बजाया और शंख बजा करके कहा कि इस देश में पहले शंख बजा करके सबको जागृत करो, और जब सब जागृत हो जाए तो फिर चैन की बांसुरी बजाना, फिर चैन से बैठ जाना। There is shortage of essential supplies in Manipur because of an economic blockade called by various Naga groups. Workers in Manipur burned down more than 20 official buildings, including the state assembly. With Arijit Sen in New Delhi, Shumon Chakraborty.